नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट और नजर डालेंगे कुछ अहम खबरों पर। विजया राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किए। पूर्व में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी है विजया राहतकर। विजया राहतकर को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। भाजपा संगठन के विभिन्न पदों पर भी विजया राहतकर रह चुकी है। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष रह चुकी है राहतकर। राष्ट्रीय सचिव केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य भी रह चुकी है विजया राहतकर। फिलहाल राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी है विजया राहतकर। महिला सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें किया जा चुका है सम्मानित। राष्ट्रीय कानून पुरस्कार सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि इस नियुक्ति के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए विजया राहतकर नजर आए और उन्होंने कहा कि किस तरह से आगे वो महिलाओं के विकास को लेकर कार्य करते रहेंगे। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि मैं महिला हूँ, इसलिए महिला के विकास के लिए कार्य नहीं करूंगी, क्योंकि मैं महिलाओं के दर्द को भी समझती हूँ और इसलिए मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन पर जताया गया है वो उसी विश्वास को पूरा करती हुई नजर आएंगी। विजया राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में महिला आयोग की अध्यक्ष भी विजया राहतकर रह चुकी है। विजया राहतकर को केंद्रीय राज्य मंत्री का अब दर्जा मिल जाएगा। भाजपा संगठन के विभिन्न पदों पर वो रह चुकी है। भाजपा महिला मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी विजया राहतकर रह चुकी है। राष्ट्रीय सचिव केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी रह चुकी है, यानी कि आप समझिए एक अच्छा अनुभव उनके पास में है। विजया राहतकर फिलहाल राजस्थान भाजपा की सह प्रभारी है। महिला सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्यों के लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इनको कानून पुरस्कार सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब भारतीय छात्रों के आवेदनों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कनाडा जाने वाले छात्रों में 50 से 60% तक गिरावट देखने को मिली है। जीवन यापन की बढ़ती लागत, आवास संकट और रोजगार भी इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। छात्रों के माता पिता भी कनाडा को नहीं मान रहे हैं सुरक्षित। 2021 की हम बात करते हैं, 2021 में कनाडा में 1000 छात्रों ने आवेदन दिया था। 2024 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 300 रह गया है, क्योंकि पहले आपने सुना होगा कि बच्चों का सपना रहता था कनाडा जाना, लेकिन अब वो सपना एक सपना ही रह चुका है, क्योंकि अब उनमें वो आस नहीं बची है। भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास बढ़ती हुई नजर आ रही है और अब भारतीय छात्रों के आवेदनों की संख्या में भी बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। कनाडा जाने वाले छात्रों में 50 से 60% तक ये बड़ी गिरावट आई है। जीवन यापन की बढ़ती लागत, आवास संकट, रोजगार भी इसका एक मेन कारण बना हुआ है। हालांकि इससे बड़ा कारण भी यही है कि माता पिता को लगता है कि कनाडा में उनके बच्चे बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं और इसी वजह से वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कनाडा पढ़ने के लिए जाएं। 2021 का मैं आपको आंकड़ा बताती हूं, क्योंकि 2021 के अंदर जो आवेदन किए गए थे बच्चों के द्वारा वो आंकड़ा था 1000, लेकिन जब 2024 का जो आंकड़ा सामने आया है वो सिर्फ 300, यानी कि आप समझिए 50% से ज्यादा इस आंकड़े में गिरावट देखने को मिली है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा गठबंधन में सीटों का तालमेल आपको समझाते हैं। 81 विधानसभा सीटों में से 68 पर चुनाव लड़ेंगे भाजपा के उम्मीदवार। 10 सीटों पर आजसू, 2 सीटों पर जदयू, 1 सीट पर लोजपा उम्मीदवार है। वहीं झारखंड में भाजपा के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये सूची जारी की और साथ में ये भी कहा कि आखिरी मौके पर हो सकता है फेर बदल, यानी कि कुछ बड़े बदलाव लास्ट मोमेंट पर देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 2019 की। 2019 में भाजपा ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 25 सीटें भाजपा ने अपने खाते में ले ली थी। आजसूपी ने 53 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीते थे सिर्फ 2 उम्मीदवार। लेकिन अब एक बार फिर से बीजेपी आगामी चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। झारखंड चुनाव के लिए भाजपा गठबंधन में सीटों का तालमेल बिठाया जा रहा है। 81 विधानसभा सीटों में से 68 पर चुनाव लड़ेंगे भाजपा के उम्मीदवार। 10 सीटों पर आजसू, 2 सीटों पर जदयू, जबकि 1 सीट पर लोजपा उम्मीदवार उतारा गया है। झारखंड में
भाजपा के सह प्रभारी यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये सूची भी जारी कर दी और साथ में ये भी कहा गया है, क्योंकि अपने आप में बड़ा बयान है कि लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि अभी भी बैठकों का दौर जारी है, अभी भी सोचा समझा जा रहा है और इसलिए कहा गया है कि लास्ट मोमेंट तक भी इन सीटों पर फेरबदल हो सकते हैं नामों को लेकर। हालांकि 2019 में अगर बात की जाए चुनावों की, तो भाजपा ने 79 सीटों पर उस वक्त चुनाव लड़ा था, जिनमें से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी। अगर बात की जाए एसयूपी ने 53 सीटों पर उस वक्त चुनाव लड़ा था और सिर्फ 2 सीटें उनके खाते में आई थी। और आज फिर से कई फ्लाइट्स को मिली है बम की धमकी। आज करीब 20 विमानों में मिली है बम की धमकी। हर एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स को यह धमकी मिली है। गृह मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा अलर्ट जारी किया गया एयरलाइंस को, जांच एजेंसियां, रेगुलेटर, सभी को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। अब आपको बता देते हैं कौन कौन सी कंपनी, इंडिगो, अकासा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया फ्लाइट्स को ये धमकी मिली है। पिछले 6 दिनों के अंदर 70 विमानों को ये फर्जी कॉल आ चुके हैं। हालांकि इसके पीछे कौन है, इसमें जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि जब भी चेकिंग की जाती है तो मिलता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार जिस तरह से ये धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, इनको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि इन फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग भी करवाई जाती है, इनकी चेकिंग भी कराई जाती है। क्योंकि इससे पहले आपने सुना होगा, ना सिर्फ फ्लाइट्स को, पहले एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलती थी और उसके बाद में पूरे एयरपोर्ट की चेकिंग होती थी, स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलती थी, पूरे स्कूल की चेकिंग होती थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लगातार एक के बाद जिस तरह से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, फ्लाइट्स को उड़ाने के धमकी भरे जो कॉल्स आ रहे हैं बम से, उसको लेकर भी अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुका है। क्योंकि सिर्फ आज ही की बात की जाए, जो आंकड़ा आज का सामने आया है, आज फिर से कई फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली है। करीब 20 विमान ऐसे हैं जिनको ये धमकी भरा कॉल आया है। हर एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स को ये धमकी मिली। गृह मंत्रालय और सिविल एविएशन मंत्रालय के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। एयरलाइंस, जांच एजेंसियां, रेगुलेटर, सभी को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। इंडिगो, अकासा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, ये सभी ऐसी फ्लाइट्स हैं, ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी फ्लाइट्स में ये धमकी भरा कॉल पहुंचा है। पिछले सिर्फ 6 दिनों की अगर हम बात करते हैं, तो इन 6 दिनों के अंदर 70 विमानों को ये फर्जी कॉल आ चुका है और इन सभी की चेकिंग भी कराई गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि इन धमकी भरे कॉल से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि धमकी भरे कॉल आए हैं, उसके बाद में चेकिंग भी की गई, लेकिन उस चेकिंग के दौरान निकला कुछ नहीं है। हरियाणा सीएम के मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति पर अब एक बड़ा यूटर्न आ गया है। पूर्व शीर्ष नौकरशाही राजेश खुल्लर से हुई थी प्रमुख पद पर नियुक्ति। कल देर शाम को मुख्यमंत्री नायब सिंह के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में ये नियुक्ति की गई थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही एक अन्य अधिसूचना ने उनकी नियुक्ति को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया। विश्व बैंक समूह के बोर्ड में काम किया है सेवानिवृत्त आईएएस राजेश खुल्लर ने। भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के प्रतिनिधि के रूप में भी विश्व बैंक समूह के बोर्ड में काम कर चुके हैं। कार्यकाल पूरा होने से कुछ महीने पहले ही उन्हें बुला लिया गया था वापस। सेवानिवृत्त से ठीक पहले मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया, लेकिन हरियाणा सीएम के मुख्य प्रधान सचिव की नियुक्ति पर अब एक बड़ा यूटर्न सामने आया है। पूर्व शीर्ष नौकरशाही राजेश खुल्लर की हुई थी प्रमुख पद पर नियुक्ति, लेकिन कल देर शाम को मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति की तो गई, लेकिन कुछ घंटों बाद ही, कुछ घंटों के अंदर ही एक अन्य अधिसूचना ने उनकी नियुक्ति को पूरी तरीके से स्थगित कर दिया है। हालांकि इसकी वजह क्या है, विश्व बैंक समूह के बोर्ड में उनके द्वारा काम भी किया गया। सेवानिवृत्त आईएएस राजेश खुल्लर ने भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका के प्रतिनिधि के रूप में भी विश्व बैंक समूह के बोर्ड में अपने कार्यकाल पूरा होने से कुछ महीने पहले ही उन्हें कैडर में वापस बुला लिया गया था। सेवानिवृत्ति से ठीक पहले मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव के रूप में भी उन्हें नियुक्त किया गया था। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। कांग्रेस ने केरल की वायनाड सीट से प्रियंका को बनाया है उम्मीदवार। 23 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के साथ ही राहुल गांधी भी रहेंगे नामांकन के दौरान मौजूद। वायनाड सीट पर 13 नवंबर को होना है लोकसभा उपचुनाव। ऐसे में 23 नवंबर को आएंगे वायनाड सीट पर उपचुनाव के नतीजे। राहुल गांधी के वायनाड सीट से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है ये सीट।
और चलिए आपको बताते हैं इंडियन एक्सप्रेस में राम माधव का लेख, कॉलिंग कनाडा आउट, भारत के लिए ट्रूडो सरकार की धांधलियों को उजागर करने का समय, ये लिखा गया है उस लेख में। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगाए हैं गंभीर आरोप, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगाए गए हैं। भारत छोड़कर कनाडा भागा था खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर, कनाडा में रहते हुए भारत विरोधी गतिविधियां चलाता था निज्जर। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में हुई थी निज्जर की हत्या और अब तक नहीं पकड़े गए हैं आरोपी। ट्रूडो भारत पर लगा रहे हैं फिजूल के आरोप, भारत सरकार के कुछ लोगों को जबरन विवादों में ला रहे हैं ट्रूडो। इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष है भाजपा नेता राम माधव, जिनके द्वारा ये लेख लिखा गया है। और अब खबर आबकारी विभाग से जुड़ी, नहीं उठ पा रही है आबकारी विभाग की करीब 200 दुकानें नहीं उठने से विभाग को करीब 300 करोड़ के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जयपुर शहर में नहीं उठ सकी 14 दुकानें, आबकारी विभाग ने मुख्य सचिव को दिया था दुकानें उठने का आश्वासन और अब आबकारी आयुक्त ने डीईओ को कहा है कि उठनी चाहिए सभी दुकानें। जिला आबकारी अधिकारी दुकानों की नई लोकेशन तलाशने में जुटे हुए हैं, लेकिन शराब कारोबारी 5 महीने के लिए नहीं लेना चाहते दुकान। और गाय की नीलामी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं, क्योंकि 9,25,000 में बिकी है थार की श्वेत सुंदरी सबसे महंगी। थार पार्कर गाय की 9,25,000 रुपए की बोली लगी है। सूरतगढ़ के केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र में गायों की नीलामी में एक नया रिकॉर्ड बन गया है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र में शुक्रवार को हुई थी थार पार्कर नस्ल की गाय बछड़ियों की नीलामी, जिसमें से 8034 नंबर की थारपारकर गाय को 9,25,000 रुपए में महाराष्ट्र के पशुपालक ने खरीदा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पशुपालक पुष्कराज मौर्य ने लगाई सबसे बड़ी बोली। 70,000 रुपए की निर्धारित की गई थी इस गाय की सरकारी कीमत और एक वर्ष में औसतन 2,092 किलो दूध देती है ये थारपारकर गाय। और अब सोने की कीमतों में त्योहारी तड़का लग चुका है। 80,000 की दहलीज पर पहुंचा है सोना। जयपुर में 79,500 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड बन चुका है। एक ही दिन में 800 रुपए बढ़ा है सोने का भाव। अब सोने की कीमत 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पार होने की पूरी संभावना। गत दीपावली से अब तक 18,800 रुपए महंगा हो चुका है सोना। हालांकि कीमतों में तेजी के बावजूद बढ़ रही है मांग। लोग शादियों के सीजन को देखते हुए पहले ही खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।